हेलो फ्रेंड्स, ये एक 62 गज में बना हुआ ड्यूप्लेक्स है। डायमेंशन है इसकी 16 का आपको फ्रंट मिलने वाला है। डेप्थ इसकी 35 है, 16x35 में बना हुआ है। और लोकेशन इसकी देखते हैं तो लोकेशन जो 200 फीट बाईपास है वहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और 200 फीट से सीधी इसकी कनेक्टिविटी है। सामने की तरफ आप देखिए, यहाँ पे गेट बढ़िया आयरन का यहाँ पे लगाया हुआ है, और पोर्च एरिया जो है इसमें 8x12 की साइज़ में आपको यहाँ पे पोर्च का स्पेस मिलता है, जहाँ एक छोटी गाड़ी ही आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। साथ ही यहाँ साइड में जो वेंटिलेशन विंडो जो आई हुई है किचन के वेंटिलेशन के लिए है, और यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ काफ़ी लाइट्स यहाँ पे लगाई हुई है। और ये देखिए, ये आ जाता है अपने ड्यूप्लेक्स का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे साइड में देख सकते हो काफ़ी बड़ी साइज़ में यहाँ पे विंडो दी हुई है, ताकि सनलाइट आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल सके। और यहाँ जो मेन गेट है, आपको यहाँ ये गेट मिलने वाला है, और यहाँ से अपन सीधे आ चुके हैं यहाँ पे अपने हॉल के स्पेस में। तो हॉल का जो स्पेस है आपको 10x16 की साइज़ में यहाँ पे हॉल का स्पेस मिल जाता है। हॉल में अपन साइड में देखते हैं तो एक वॉल पे आपको बढ़िया सा वॉलपेपर लगाया हुआ मिल जाएगा। ड्यूप्लेक्स जो है आपको सेमी ड्यूप्लेक्स, ये सेमी फर्निश्ड ड्यूप्लेक्स आपको मिलने वाला है, जिसमें ट्यूबलाइट, पंखे, लाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लगाई हुई मिल जाएगी। डिमांड रेट जो है इसके 38 लाख रुपये है, JDA अप्रूव्ड है, और 38 लाख रुपये इसकी डिमांड रेट है, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल है। 3 BHK का है, जिसमें यहाँ हॉल के स्पेस से कनेक्ट हो रहा है ये कॉमन लेट बाथ। सीट जो है इसमें आपको यहाँ पे इंडियन मिलने वाली है, और यहाँ सामने की तरफ जो स्टेयर्स का प्रोविजन है इसमें ड्यूप्लेक्स के हॉल के स्पेस से ही है। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड में वॉश बेसिन का स्पेस दिया हुआ है, साथ ही स्टोरेज के लिए यहाँ पे स्पेस निकाला हुआ है। ड्यूप्लेक्स वेस्ट फेसिंग का है, और ये इसमें किचन का स्पेस आता है। किचन जो है आपको 7x6 की साइज में आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है, जो कि मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ड्रॉवर कैबिनेट वगैरह प्रॉपर आपको यहाँ पे लगाए हुए मिल जाएंगे। वेंटिलेशन की कोई यहाँ पे दिक्कत आने वाली नहीं है। और किचन के एंट्रेंस पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्लास वर्क आपको मिल जाता है। और अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम है, उसमें बेडरूम जो है आपको 10x11 की साइज़ में आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाता है, जिसमें भी आप एक वॉल पे आपको बढ़िया सा वॉलपेपर लगाया हुआ मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ सीलिंग डिज़ाइन काफ़ी यूनिक सी इसमें सीलिंग डिज़ाइन दी हुई है। फैन आपको यहाँ पे लगाया हुआ मिल रहा है, इसमें एक बैकयार्ड का स्पेस है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, स्पेस यहाँ पे छोटा हुआ है। और ये देखा अपने ग्राउंड फ्लोर, अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे। और स्टेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेनाइट और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। दस बाई दस की साइज़ में आपको ये ऊपर के हॉल का स्पेस मिल जाता है, जिसमें कि एक साइड में इसमें भी आपको वॉलपेपर लगाया हुआ मिल जाएगा। ऊपर की तरफ फोर सीलिंग है, सभी रूम्स में और हॉल में आपको फोर सीलिंग यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ भी अपन फर्स्ट फ्लोर पे भी देखते हैं तो यहाँ आपको एक कॉमन लेट बाथ मिलता है, जिसमें सीट जो है WC आपको वेस्टर्न मिल रही है। और ये है यहाँ पे बेडरूम, अब ले चलता हूँ आपको यहाँ से जो ड्यूप्लेक्स है उसके फ्रंट के बेडरूम में फर्स्ट फ्लोर पे। 9x15 की साइज़ में आपको ये बेडरूम मिलने वाला है, और इसमें भी आपको ऊपर सीलिंग डिजाइन मिल जाती है, साइड में वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है, और कूलर यहाँ पे आप लगा सकते हो। AC फिटिंग आपको यहाँ सभी रूम्स में मिल जाती है। और ये है आगे की तरफ बालकनी का प्रोविज़न, 3x15 की साइज़ में बालकनी का स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ आसपास सराउंडिंग एरिया काफ़ी अच्छी बसावट है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, और अगर करना चाहते हो विजिट तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे नंबर, वहाँ कॉल करके आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू।